हरे कृष्णा, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, इसी के ऊपर होगा आज का रीडिंग। हम टैरो में से भी चार कार्ड लेंगे और दूसरे डेक में से भी चार कार्ड, तो देखते हैं फर्स्ट पाइल के लिए क्या आता है। ये होगी फर्स्ट पाइल और ये है सेकंड पाइल। फर्स्ट पाइल के लिए चार कार्ड, एक, दो, तीन, और ये चार। इसमें से भी चार कार्ड लेंगे फर्स्ट पाइल के लिए, एक, दो, तीन, और ये हो गए चार। अब लव देखने से देखते हैं दो कार्ड कौन से मिलते हैं पाइल नंबर फर्स्ट के लिए। एक, और ये दो। अब देखते हैं पाइल नंबर टू के लिए। एक, दो, तीन, और ये चार। इसमें से भी चार कार्ड लेंगे पाइल नंबर टू के लिए। एक, दो, तीन, और ये चार। लव मैसेजेस में से दो मैसेजेस लेंगे। एक, ये दो। यह है पाइल नंबर वन और यह है पाइल नंबर टू। तो पहले देखते हैं पाइल नंबर वन की रीडिंग क्या आती है। जिन्होंने भी ये ऑब्जेक्ट चूज किया है, हो सकता है ये एक हार्मिट की एनर्जी है, मतलब या तो आप वर्गो हो सकते हैं या फिर आप जिनके साथ डील कर रहे हैं वो पर्सन वर्गो हो सकते हैं। और ये लैंप ये भी इंडिकेट कर रहा है कि नाइट को लेके कुछ थॉट्स होते होंगे जो आपके भी माइंड में है और उनके भी माइंड में है। साथ ही साथ यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि स्टार्स हैं और चाँद भी दिख रहा है, तो मतलब रात को जब चाँद निकलता है तो वो पर्सन या आप उनके बारे में ज़्यादा सोचते हैं। और वाइट कलर ये भी दिखाता है कि पीसफुल थॉट्स है कुछ, मतलब डिस्टर्ब करने वाले थॉट्स नहीं है, शांति वाले ही है। अब देखते हैं रीडिंग क्या है। टू ऑफ पेंटेकल्स,
पेंटेकल्स मतलब और साइन है वर्गो, टॉरस या फिर कैप्रिकॉन। टू इंडिकेट कर रहा है कि बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। पीछे की साइड पे हम देख रहे हैं कि कुछ डिस्टर्बिंग सा लग रहा है, मतलब बादल भी सोच सकते हैं हम, या फिर कुछ पानी के जैसा भी देख रहे हैं, मतलब कुछ इमोशंस अप्स एंड डाउन हो रहे हैं, लेकिन उनको बैलेंस करके अपने ही ख्यालों में खोए हुए हैं ये। नेक्स्ट है द हाई प्रिस्टेस। यहाँ पे दो कलर मोस्टली दिखाई देते हैं, एक तो है ब्लू और सेकंड है रेड। या तो आपका ये कलर फेवरेट हो सकता है या फिर उनका जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, या फिर वो जो आपके बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पे हम देखें तो ये शांत दिख रही है, मतलब ऐसा पता नहीं चल रहा है कि माइंड में एग्जैक्टली क्या चल रहा है, लेकिन सिर के ऊपर अगर हम देखें तो चांद है। चांद इमोशन को रिप्रेजेंट करता है, मतलब माइंड में कुछ तो इमोशनल थॉट्स है, लेकिन पीसफुल दिखने की और सिचुएशन को उसी पीसफुल नज़रिए से हैंडल करने की कोशिश हो रही है। साथ ही साथ प्लस साइन है, मतलब कुछ पॉजिटिव थॉट्स ज़रूर चल रहे हैं, हो सकता है कुछ प्लानिंग चल रही है। नेक्स्ट है किंग ऑफ सॉर्ट्स। सॉर्ट्स मतलब कम्युनिकेशन, या तो ये इंसान या फिर आप जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस हो सकते हैं। यहाँ पे भी थोड़ा सा यही दिखाई दे रहा है कि ये इंसान रेडी तो है, मतलब एक्शन लेने की पूरी तैयारी हो चुकी है, बस अब वो एग्जैक्ट मोमेंट उनको मिल जाएगा तो वो कोई ना कोई सही एक्शन ले लेंगे, लेकिन ऑलमोस्ट ये इंडिकेट हो रहा है कि ये पर्सन रेडी है। और यहाँ पे हम देखें तो सॉर्ड को उन्होंने बहुत अच्छी तरह से होल्ड करके रखा है, मतलब अगर बातें होंगी आपसे तो क्या होंगी ये भी उन्होंने सोच के रखा है, और अपने डिसीजन पे फर्म है। और वो शाइनिंग जो सॉर्ड की दिखाई दे रही है वो ये रिप्रेजेंट कर रही है कि जो भी वो थॉट्स हैं वो अच्छे ही है, और वो उभर कर जब आपके सामने आ जाएंगे तो वो जो चमक है वो आप भी महसूस कर पाएंगे जो उनके थॉट्स में है। पीछे की तरफ हम देखें तो थोड़ा सा एटमॉस्फियर जो दिखाई दे रहा है वो धुंधला हुआ सा है, एक पेड़ है या फिर ये पंछी है, मतलब बाहर का एटमॉस्फियर कैसा भी हो ये इंसान फर्म है। उन्होंने ये डिसाइड कर लिया है कि क्या एक्शन लेनी है। नेक्स्ट है टू ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो चांद है वो उल्टा है, मतलब इमोशंस जो है वो माइंड को तकलीफ देने वाले ही हो रहे हैं, और जो सॉर्ड्स है उन्होंने भी क्रॉस एक्शन में जो होल्ड करके रखा है उससे ये पता चलता है कि अपने दिल को वो किसी बात से बचाना चाहते हैं, मतलब अपने तक वो हर्टफुल या पेनफुल कुछ बातें नहीं आना चाहते, और आँखों पे पट्टी है। इसका मतलब ये भी है कि कुछ क्लैरिटी नहीं पता चल रही है, ऐसे दो थॉट्स ज़रूर है कि जिनके बीच में वो फंसे हुए हैं, या तो ये एक्शन लेनी है या तो वो। अब सही एक्शन कौन सी है ये वो क्या सोच रहे हैं उससे ही पता चलेगा। और ये तो या फिर आप ये पर्सन हो सकती है जो कुछ डिसीजन नहीं ले पा रही उनके बारे में, या फिर वो पर्सन हो सकते हैं जो डिसीजन तो लेना चाहते हैं लेकिन कुछ होल्ड करके रखा है और क्रॉस में है। नेक्स्ट है हौसला, मतलब अभी के हालात को देखते हुए हौसला रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हौसला रहेगा तो ही मुश्किल से मुश्किल हालात में हम उनको कैसे फेस करना है
ये डिसाइड कर पाएंगे। ये आपके लिए भी मैसेज हो सकता है या फिर उनके लिए भी हो सकता है कि वो हौसला रखे हुए हैं, मतलब पेशेंस लूज़ नहीं कर रहे हैं, भरोसा है, हिम्मत है, बेपना, या तो उन्होंने अपने प्यार का आपसे इजहार कर दिया है जिसकी वजह से आप ये जानते हैं कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, या फिर आप उन्हें एहसास दिलाना चाहते हैं कि आप बेपनाह उनसे मोहब्बत करते हैं और इसीलिए आप भी उनसे यही एक्सपेक्ट करते हैं जिसका एहसास है उन्हें। आशा मतलब होप। अभी के हालात क्या है ये तो हर एक की सिचुएशन अलग अलग होगी, लेकिन इस रिश्ते को लेके आपके दिल में भी होप है और जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं उनके दिल में भी होप है और होपफुली ये कनेक्शन अच्छी तरह से आगे बढ़ जाएगा। यही ख्याल अभी फ़िलहाल उनके दिल में है। जुनून ये काफ़ी कुछ इंडिकेट कर रहा है। आपको पाने का जुनून हो सकता है, चाहत हो सकती है, या फिर कोई तो ऐसा जुनून उन पे छाया हुआ है जिसके बारे में वो बेहद सोच रहे हैं। हो सकता है कुछ नया स्टार्ट करना है, फाइनेंशियल हो सकता है, या फिर आपको पाना हो सकता है, या फिर अपनी खुशियों को हासिल करने का हो सकता है, लेकिन कोई तो जुनून है जिसके बारे में वो अभी सोच रहे हैं। आप देखते हैं लव मैसेजेस क्या है। यू थिंक आई एम गुड लुकिंग नो मैटर वॉट, इसका मतलब उन्हें पता है कि आप लुक्स को नहीं, इंसान के दिल में आपके लिए क्या है इस बातों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं और इस बात का एहसास है उन्हें। यू ब्रिंग पीस टू मी, मतलब उनको अगर कहीं सुकून मिलता है, कुछ अंदरूनी शांति महसूस होती है, तो वो ख्याल सिर्फ आपका होता है जिसकी वजह से उन्हें ये एहसास होता ही है कि आप ही है जो उनकी ज़िंदगी में सुकून की एक लहर है। तो ये था रीडिंग पायल नंबर 1 के लिए। देखते रीडिंग क्या आता है पायल नंबर 2 के लिए। तो जिन्होंने भी ये ऑब्जेक्ट चूज़ किया है, या तो आपको लग रहा है कि वो कछुए की चाल के जैसे ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, मतलब बहुत ही स्लो एक्शन ले रहे हैं, या फिर वो इस तरह से एक स्टेडी और स्लो मोमेंट में आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन आपको ये याद रखना है कि कछुए और खरगोश की जो भी रेस हुई थी उसमें जीत खरगोश की नहीं बल्कि इस कछुए की ही हुई थी। तो इसी तरह से वो भी अगर आपको पाने की रेस में उतर गए हैं तो जीत उन्हीं की होगी, ये ख्याल उनके दिल में है, फिर चाहे एक्शन कितनी भी स्लो क्यों ना हो। तो आपको भी इस बात पे भरोसा रखे, इस टॉर्टोइज की तरह स्माइल लानी है और ख़ुद को ये एहसास दिलाना है कि जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। देखते हैं कार्ड्स क्या है। फर्स्ट कार्ड है पेज ऑफ कप्स। पेज की एनर्जी थोड़ी सी चाइल्डिश होती है। यहाँ पे हम अगर देखें तो एक हाथ में कप है लेकिन उसमें भी एक फिश है जो बाहर आने की कोशिश कर रहा है। या तो ये वाटर साइन हो सकते हैं, मतलब कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसिस। और यहाँ पे हम देखें तो हार्ट शेप दिखाई दे रहा है, मतलब उनके दिल में ये इमोशन ज़रूर है जो उनके दिल को सुकून देते हैं, लेकिन थोड़ा सा कुछ कन्फ्यूजन है। जो पीछे वेव्स दिखाई दे रहे हैं, ऐसे कुछ ख्यालात हैं जो उमड़ उमड़ के दिल में आ रहे हैं और जिनकी वजह से कुछ डिस्टर्बेंस फील हो रहा है और इसीलिए वो अपने इमोशंस ठीक तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट है एस ऑफ कप्स, मतलब ये जो कप है वो पूरी तरह से शाइन कर रहा है
और यही कप आपको ऑफर करने के बारे में वो सोच रहे हैं। यहाँ पे हमें बर्ड दिखाई दे रहा है जो आसमान है, आसमान में भी है। इसका मतलब है आसमान को छूने की चाहत है उनके दिल में, और बर्ड की तरह फ्री स्पिरिट भी रखते हैं। तो आपके साथ आसमान को छूने के कुछ ख्वाब, कुछ ख्यालात उनके दिल में उभर उभर आ रहे हैं, और साथ ही साथ ये पर्सन ग्राउंडेड भी है जो दिखा रहा है। ये दो कमल है, लोटस जो दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब वो जानते हैं कि ये जब फूल खिलता है तो इसकी खूबसूरती क्या होती है, अलग फूलों बाकी के फूलों से ये फूल क्यों अलग है, ये भी वो जानते हैं। यहाँ पे भी वाटर साइन ही दिख रहा है। नेक्स्ट है एस ऑफ रॉड्स। रॉड मतलब पैशन, तो या तो लियो, एरीज या फिर सैजिटेरियस, ये कोई आपका साइन हो सकता है या फिर उनका। मतलब यहाँ पे हम अगर देखें तो ये जो रोशनी दिखाई दे रही है वो होप है, कि उनके दिल में जो पैशन है, जो अरमान है, वो आपको लेकर अगर रिलेटेड है तो वो पूरे करने के बारे में वो सोच रहे हैं। नेक्स्ट है एस ऑफ सॉर्ड्स। सॉर्ड्स मतलब जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। तो एस मतलब अच्छा ही कार्ड है, और यहाँ पे भी हम देखेंगे कि बादल से कुछ किरणें वहाँ पे आ रही है, तो यहाँ पे भी रे ऑफ होप है। तो अगर कम्युनिकेशन आपके बीच में नहीं हुआ है तो बहुत जल्द वो कम्युनिकेशन होने के चांसेस दिख रहे हैं, और आसमान की तरफ से जो सिग्नल मिल रहे हैं वो ये भी है कि अच्छा कुछ होगा, पॉजिटिव है। मतलब धुंधला सा कुछ है लेकिन उसमें से जो किरणें आ रही है वो ब्राइट है, इसका मतलब अच्छा ही साइन है। नेक्स्ट है तोहफा। या तो आपने उनके लिए कुछ तोहफा लेके रखा है, या फिर कोई तो है जो इस तोहफे को लेके सोच रहा है, हो सकता है आप या वो। तो वो तोहफा कोई भी हो सकता है, शायद कोई प्रपोज़ल हो सकता है, या फिर बहुत दिनों से जो चाहत थी दिल में वो जुबान पे आने की बात, जो भी कुछ होगा वो आपको एक तोहफे की तरह लग सकता है। सहनशीलता मतलब पेशेंस आपको भी दिखाने हैं, और हो सकता है वो भी पेशेंस के साथ ही सिचुएशंस को हैंडल कर रहे हैं। अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं लेकिन वो बर्दाश्त कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो टूट के कुछ भी सिचुएशन को बिगाड़ने की एक्शन ले रहे हैं। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही देखा कि टॉर्टोइज है तो स्लो है, मतलब पॉज ले रखा होगा कि कोई एक्शन नहीं ले दी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कुछ एंजॉय कर रहे हैं, वो सहन कर रहे हैं, वो सिचुएशन को फेस कर रहे हैं। देर तो ये भी ऑब्वियस है कि जो भी आप चाहते हैं या तो उसमें देर हो रही है, या फिर वो जो करना चाहते हैं, वो पर्सन जो एक्शन लेना चाहते हैं उसमें देर हो रही है, जिसकी वजह से उनके पेशेंस चेक हो रहे हैं। लेकिन कभी कभी देर अच्छी होती है, जल्दबाजी से अच्छी देर ही सही, यही सोच के आपको भी चलना है, और शायद वो भी यही सोच रहे हैं। कठिनाई तो कुछ मुश्किलें हैं जो उन्हें कुछ एक्शन लेने के लिए रोक रही है, लेकिन ये भी जल्द सिचुएशन पास आउट हो जाएगी। आप भी हौसला रखिए, मुश्किल वक्त है, सबके लिए है, लेकिन अगर हम पेशेंस दिखाएं तो ये कठिनाइयां भी हम फेस कर पाएंगे, और उनका सॉल्यूशन भी हम ढूंढने के लिए उस सिचुएशन को फेस कर पाएंगे। अब देखते हैं लव मैसेजेस क्या है। वी नो यू कैन, वी कैन वर्क थिंग्स आउट टुगेदर। इसका मतलब
उनको इस बात का पूरा एहसास है कि आप दोनों अगर साथ मिल जाए तो आप बात को संभाल सकते हैं और जो भी सिचुएशन है उसको अच्छी तरह से हैंडल कर सकते हैं। नेक्स्ट है, आई कांट इमेजिन अ मिनट विदाउट यू। इसका मतलब आपकी बात उनसे हो भी पा रही है या नहीं, मैसेजेस एक्सचेंज हो रहे होंगे या नहीं, कॉल होता होगा या नहीं, लेकिन ऐसा कोई भी पल नहीं है जब उनके दिल में आपसे रिलेटेड कुछ ख्याल ना हो। वो पल पल आपके बारे में सोचते ज़रूर है लेकिन वो बात जुबान से बयां नहीं हो रही। इसका मतलब ये नहीं कि उनके दिल में आप है ही नहीं। तो आपको भी ये भरोसा रखना है कि जैसे आप उनके बारे में सोचते हुए ये रीडिंग सुन रहे हैं वैसे ही वो इंसान भी आपके बारे में सोच रहा है। तो ये था रीडिंग, टाइम स्टैम्प आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। टिल देन टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।